हाँ जी बाबा, 1969 से 76 में तो शिव बाप जतिबिंदु वो कहाँ थे? जंगल में एक शेर खलास हो जाता है तो क्या जंगल शेर रूपी राजा के बिना रहता है? हैं? एक शेर जाता है तो दूसरा शेर आ जाता है। अशोक की लाट में कितने शेर दिखाए हैं? हैं? तीन शेर दिखाए हैं। बाबा तो कहते हैं कि तीन शेर नहीं है, क्या है? उनमें एक मन रूपी घोड़ा है। कौन? ब्रह्मा। एक बकरी है, जो भी कान पकड़ ले तो उसको अपने अंडर में कर ले। कान कैसे पकड़ा जाता है? हैं? हैं? हाथ से पकड़ा ज्ञान सुना करके क्या कान पकड़ा जाता है? बुद्ध रूपी हाथ से ही ज्ञान सुनाया जाता है। और तीसरा कौन है? तीसरा वास्तव में शेर है। शेर कोई के अंडर भी कंट्रोल चलता है क्या? नहीं चलता है। ब्रह्मा तो 69 में चला गया, शेर था क्या कि अंडर दी कंट्रोल चलना पड़ा? है? शेर था या बच्चों के अंडर दी कंट्रोल आ गया? है? शेर था। जैसे आज की दुनिया में माताएं बच्चों के कंट्रोल में आ जाती है, तो शेर नहीं कहेंगे। जो ब्रह्मा के मुकाबले जास्ती बुद्धिमान बच्चे थे, विदेशी धर्मों की आधारभूत आत्माएं थे, वो बुद्धिमान बच्चों ने ब्रह्मा को भी कंट्रोल में चलाया। सारी संस्था की बागडोर ब्रह्मा के रहते रहते उन बच्चों ने अपने हाथ में बागडोर ले ली, तो आधीन हुआ या स्वाधीन हुआ? ब्रह्मा भी आधीन हो गया। तो ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद फिर जरूर शिव कोई वापस नहीं जाता है। बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ साथ चलेंगे। तो बाप का विरोध बीच में छूट सकता है क्या? बाप आए हैं पुरानी दुनिया का विनाश करके नई दुनिया की स्थापना करने, तो बाप का काम पूरा हो गया क्या? बाप राजधानी स्थापन करके जाते हैं या पहले ही धर्म पिताओं की तरह चले जावेंगे? राजधानी स्थापन करके जाते हैं तो काम तो पूरा हुआ ही नहीं। तो बताओ शिव बाप
इस सृष्टि में रहा या परमधाम चला गया या ब्रह्मा के साथ सूक्ष्म वतनवासी हो गया, क्या किया होगा? जरूर इस सृष्टि पर ही रहा। जिस तन में भी आवेंगे उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। वो गुरु लोग तो झूठ बताते हैं कि गुलजार दादी में शिव बाबा आते हैं। अगर शिव बाबा आते हो तो उनका नाम क्या रखना पड़े? ब्रह्मा नाम रखते हैं क्या? है? फिर तो धोती कुर्ता पहनाए दो। ये कब तक चलेगा बाबा? क्या कब तक चलेगा? आपके ऊपर क्या मुसीबत आ रही है? जो वाणी चलती है गुलजार दादी के द्वारा, वो वाणी मुरली के प्रतिकूल चलती है या मुरली के महावाक्यों के अनुकूल चलती है? अनुकूल चलती है। तो हमें तो वो वाणी प्यारी होनी चाहिए या भाग जाए है? उसमें फिर तो पेंट जो लोग मिक्स करके मुरली पेपर जो बनाता है तो वहां तो डाला लोग मिक्स करके अपने ढंग से मनमत डालता है। शिव बाबा जब आते थे ब्रह्मा के तन से मुरली चलाते थे तो क्या ब्रह्मा बाबा मिक्स करके नहीं बोलते थे? इंटरफियर करके बोलते थे या नहीं बोलते थे? बोलते थे। तो जब ब्रह्मा बाबा बोलते थे तो बच्चे नहीं बोलेंगे? तो बाबा ब्रह्मा बाप समान तो बच्चे नहीं है ना। जो ये अपने को दादा समझ लाल गद्दी पकड़ के अम्मा है या बाप है? तो तुमने कैसे बाप कह दिया? छोटा बाबा है ना बाबा। मुझे तो बोलते हैं ना कि ब्रह्मा छोटा बाबा है। छोटा जी, छोटे तो सभी गुरु हैं। बड़ा गुरु तो एक ही है जिसे सदगुरु कहा जाता है। तो शिव बाबा बीच में वापस नहीं जा सकते कि 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो वापस चले जावेंगे, नहीं। पहले टेम्पररी रथ में आते थे, जो मुरलियां चलाई हैं वो कौन से रथ में चलाई है? टेम्पररी रथ में जान चलाई है। टेम्पररी रथ गया तो मुकर्र रथ में आते हैं। बाकी गुप्त पार्ट है, इसलिए बोला कि बाप वानप्रस्थी हो गया। वानप्रस्थी हो गया माने कुछ टाइम के लिए वाणी से परे हो गया। बच्चों की स्थिति देखने के लिए, बच्चों को अपनी स्थिति का साक्षात्कार कराने के लिए वानप्रस्थी होकर बैठ गया। और बाबा वो मुरली में बोला गया है कि जब भारत भीगने लगता है तो सन्यासी कुछ भारत को थमाते हैं ना, तो ये चैतन्य भारत के ऊपर कैसे लागू होता है? भारत है, भारत जो ज्ञान की बातों में रत माने लगा रहता है उसका नाम भारत है। ये भारत नाम अभी भी है या नहीं है? अभी भी है, लेकिन सच्चा भारत सतयुग त्रेता में था या द्वापर कलयुग में है? सतयुग त्रेता में सच्चम सच ज्ञान की रोशनी में आत्मिक स्टेज में लगा हुआ था। द्वापर युग से आत्मिक स्टेज क्षीण होने लगी, तो वही अवस्था रहेगी या अवस्था नीचे गिरेगी?
तो जवाब मिला है? क्या जवाब मिला? आदमी की स्थिति में ठीक है, औरों के मुकाबले आत्मिक स्टेज में ज्यादा रहता है। जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, उनकी आत्मिक स्टेज एकदम नीचे गिर जाती है द्वापर युग शुरू होते ही होते। लेकिन वो सन्यासी भारत को कैसे उठाते हैं बाबा? सन्यासी परमधाम से डायरेक्ट आए या सतयुग त्रेता से जन्म लेते आए? तो सतो प्रधान होते हैं या रजोतमो होते हैं? सतो प्रधान होते हैं। वो सन्यासी जब आते हैं तो भारत में पतित राजाएं बन जाते हैं या पावन राजाएं होते हैं? पतित राजाएं होते हैं। उन राजाओं के बीच में जो स्पेशल भारत वाली आत्मा है वो बड़ा राजा होती है या छोटा राजा होती है? बड़ा राजा होगा तो बड़ा पतित होगा या छोटा पतित होगा? बड़ा पतित होता है। तो अगर सन्यासी उस समय ना आए होते तो भारत एकदम गर्त में चला जाता। उसकी सुषुम यहाँ पर कैसे होती है बाबा? यहाँ भी बाबा ने बोला है जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। माना जब सन्यासी निकलेंगे तब भारत को उठाएंगे क्या? बिल्कुल उठाएंगे। अभी भारत गिर रहा है क्या? तुम क्या समझते हो कि भारत ऊंचा उठ गया? भारत की बात छोड़ो, जो भी एडवांस में आत्माएं हैं वो नीचे गिरने की शूटिंग हो रही है या ऊपर उठ रही है? क्या हो रहा है? 5000 वर्ष में दुनिया नीचे जाती है, दुनिया के लोग नीचे गिरते हैं या ऊपर उठते हैं? तो शूटिंग पीरियड में क्या होगा? है नीचे गिरते हैं। हाँ, बाप का जो ज्ञान मिला हुआ है उस ज्ञान को जो जास्ती उठावेंगे भारत की तरह, उनका गिरना धीरे धीरे होगा या तेजी से होगा? उनका गिरना धीरे धीरे होता है, ये अंतर पड़ता है। और भारत और भारतवासी क्या अलग है? जो भारत है वो ही प्रजापिता है, जो प्रजापिता है उसमें शिव है। तो प्रजापिता जिसमें शिव है वो भगवान बाप का घर है या नहीं है? बाप का घर है तो बच्चों का भी घर है या नहीं है? शरीर को घर कहा जाता है, तो जो बच्चे याद करते हैं भगवान बाप को, कौन से घर में बैठ करके आत्मा याद करती है? है शरीर रूपी घर में जाती है। ये शरीर जैसे कि मंदिर है, वो मंदिर तो जड़ बनाते हैं, ये जड़ मंदिर नहीं है। ये क्या है? ये तो चैतन्य मंदिर है भगवान बाप का। इसलिए मन बुद्धि रूपी आत्मा रूपी बच्चे जब याद करते हैं तो कहां रहते हैं? है बाप के घर में ही रहते हैं। जो बाप कहते हैं मुझे घर में याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो, मुझे याद करो, अरे तीन तीन को याद करें या एक को याद करें? तीन तीन को याद करें। अरे तीनों ही क्या है? एक ही है। और बाबा ब्रह्म ड्रामा में बाबा में 11 वर्ष के उम्र में ही शासक बनता है। हाँ जी।
तो उसकी शूटिंग यहाँ पर कैसे होती है? माने यहाँ शूटिंग करने के लिए तो शरीर एक ही है या अलग अलग शरीर हो जाएंगे? शरीर अलग अलग हो जाएंगे। बाबा रह वो कौन है जो बाबा रह की शूटिंग करता है? राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा जरूर बाबरी मस्जिद बनाने वाली है। कैसी मस्जिद? बाबरी मिस जिद, जो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। बाप जैसे चलाना चाहते हैं वैसे नहीं चलती। तो क्या कहेंगे, पगलिया है या सालिम बुद्धि है? पगलिया है। उस पगलिया के आधार लेकर के मंदिर बनाना पड़ता है, क्योंकि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। कलयुग में सब पतित हो जाते हैं। जब सब पतित हो जाते हैं तो जो मुस्लिम धर्म की आत्माएं हैं उनको ज्यादा पतित कहेंगे, या भारत के राजाओं या और यथा राजा तथा प्रजा को ज्यादा पतित कहेंगे? भारत के राजाओं को ज्यादा पतित कहेंगे। राजाएं जास्ती पतित होते हैं तो प्रजा भी जास्ती पतित होती। मुसलमानों में तो नियम है, कायदा कानून है कि चार पत्नियों से ज्यादा पत्नियां कोई नहीं रख सकता। तो पावन कौन हुए? भारत के हिंदू पावन हुए या मुसलमान ज्यादा पावन हुए? मुसलमान जास्ती पावन हुए। और लेकिन ये 11 वर्ष का बेहद मीन क्या होता है बाबा? 11 वर्ष नहीं शासन करता है ना? 11 वर्ष का मतलब ये है कि राम वाली आत्मा बच्चों के मुकाबले उस समय कम आयु की होती है या आयु बड़ी होती है? जब बाबरी मस्जिद निमित्त बनाई जाती है, कब की बात है? है? अरे नहीं, 76 में निमित्त बनती है। कौन? बाबरी मस्जिद 76 में वो राम वाली आत्मा 10 साल पूरी करती है। 77 को संपूर्णता ईयर गाया हुआ है। इसलिए 11 वर्ष कह सकते हैं। और भक्ति मार्ग में बाबा मीरा को साक्षात्कार हुआ था है? तो जो साक्षात्कार हुआ था जिस समय में, उस समय तो शिव बाबा परमधाम में थे। ठीक है, तो साक्षात्कार तो कौन कराया था उनको? राम और कृष्ण को? कोई कराता नहीं है। हर आत्मा में, हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपना अपना संस्कार भरा हुआ है। जब वो संस्कार उदित तो होता है तो स्वतः ही साक्षात्कार होता है, शूटिंग यहां होती है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा परमधाम में बैठे बैठे साक्षात्कार कराते हैं, नहीं। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट अनुधा हुआ है। जब साक्षात्कार होने का पार्ट होता है तो साक्षात्कार हो जाते हैं। मुरली में आता ना, सत्संग में साक्षात्कार कराते हैं।
वो सिर्फ कहा जाता है, ऐसे नहीं परम धाम में बैठ करके उसे संकल्प उठता है कि मैं साक्षात्कार कराऊं। परम धाम में कोई संकल्प उठ सकता है? नहीं। भक्ति मार्ग में किया क्या इस्लाम धर्म का पूर्वज है? हैं? हम किया का इस्लाम धर्म का पूर्वज है। अनुसुईया इस्लाम धर्म का किस हिसाब से पूर्वज मान लिया? दूसरे धर्म के अनुसार। दूसरे धर्म? सूर्यवंशी के मुकाबले दूसरा धर्म कौन सा है? जैसे बाबा ने बोला है कि अष्टदेव जो है वो आठ धर्म के पूर्वज है ना, तो पहला तो अष्टदेव तो सूर्यवंश हो ही गया। तो सूर्यवंश के बाद कौन सा वंश होता है? चंद्रवंश। फिर चंद्रवंश को ही निकाल दिया? हाँ जी, लेकिन चंद्रवंश बाद में सूर्यवंश बन जाता है ना, तो वो तो एक ही धर्म हो गया। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई कि इस्लामी तो बाद में मुसलमान बन जाते हैं ना, तो मुसलमान इस्लामी एक ही हुए क्या? है अलग अलग हैं कि एक ही है? अलग अलग है। ऐसे ही चंद्रवंश का बीज अलग होना चाहिए और सूर्यवंश का बीज अलग होना चाहिए। चंद्रवंश का बीज कौन है और सूर्यवंश का बीज कौन है? राम वाली आत्मा सूर्यवंश का बीज है। बाकी रह गए सात अष्टदेवों में से, सात में जो पहला है वो चंद्रवंश का बीज है। बीज भी न कहें, पूर्वज कहें। क्या? पूर्वज अलग बात है और बीज अलग बात है। और बाबा है, बाबा बाहर वालों ने बाबा तो नहीं पहचानते हुए बहुत ग्लानी किया है ना, तो और बी के लोग ने भी बाबा को नहीं पहचानते हुए बहुत ग्लानी किए, लेकिन एडवांस वाले में आने वाले जो आत्मा है वो तो बाप को पहचानते है ना? नंबर वार पहचानती है कि एक जैसा पहचानती है? नंबर वार पहचानते है। और एडवांस में जो आने वाले हैं उनमें दूसरे धर्मों के बीज हैं या नहीं है? तो जो दूसरे धर्मों के बीज हैं, उनका देह अभिमान का छिलका मोटा होगा, कड़क होगा या महीन होगा? है, कड़क होगा। इसलिए ये नहीं कह सकते कि बाहर वाले ही ग्लानी करने के निमित्त बनते हैं। बाबा मुरली में क्या कहते हैं? मेरे बच्चे ही मेरी ग्लानी सबसे जास्ती करते हैं। तो बाबा वो जो एडवांस में जो नंबर वन आंसर बाप को पहचानते तो फिर बाप के माए को फटकाने के लिए बोलते हैं? तो बाप को पहचान तो एडवांस में आने वाले आत्मा को होते है ना, तो फिर क्यों बाप माए बेटी को फटकाने के लिए अधिशय करने के लिए ऐसा मुरली में आया था तो बोलते हैं? क्या कहना चाहते हैं बाबा? माता जी बोलते हैं कि माया जो फटकाने के लिए बच्चे के पास आता है वो क्यों आता है? इसीलिए आती है कि बच्चे अपने स्वरूप को पहचाने कि मैं किस धर्म की आत्मा हूँ, इस्लाम धर्म की हूँ, क्रिश्चियन धर्म की हूँ, या मुस्लिम धर्म की हूँ, या आर्य समाजी हूँ, या नास्तिक हूँ। बुद्धि से साक्षात्कार हो जावे। और बाबा एक बड़ा ड्रामा में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बनते हैं, इसकी शूटिंग यहाँ पर कैसे होती है? चाणक्य किसका पार्ट है? राम वाली आत्मा द्वापर के युग के आदमी विक्रमादित्य का क्या संबंधी बनती है? तो आदि में जैसे विक्रमादित्य का गुरु बनती है, उसके तुरंत बाद 100-200 वर्षों के अंदर ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का भी पाठ चलता है। तो
वही स्टेज रहती होगी या बिल्कुल बदल जाती होगी? एकदम आज में कोई आक्रमण नहीं हुआ था और 100-200 वर्ष के बाद आक्रमण होता है विदेशियों का। हाँ, तो राम वाली आत्मा उस समय भी गुरु बन करके रहती है। बाबा, हम विक्रमादित्य को देखे हैं कि शिवलिंग में अर्पण करते हैं और दिखाते हैं बेताल को लेके चलते हैं। वो बेताल को कब लेके चलते हैं? क्या रात में बेताल ऐसा कुछ है या कहानी में बना हुआ? ये जो भूत प्रेत हैं, ये कौन सा धर्म दुनिया में आता है जो भूत प्रेतों की दुनिया शुरू होती है? है कौन से युग से भूत प्रेतों की दुनिया शुरू होती है? अरे नास्तिक तो अंत में आते हैं, द्वापर युग के आदि से ही भूत प्रेतों की दुनिया शुरू हो जाती है। ये इब्राहिम इस्लाम धर्म की आत्मा जब से आती है तब से पापियों की दुनिया शुरू हो जाती है। पाप करने वाली आत्माएं जब पाप करने लग पड़ती हैं तो भूत प्रेत बनती हैं या नहीं बनती हैं? बनना पड़े या नहीं बनना पड़े? बनना पड़ता है। भूत प्रेत भी दो प्रकार के होते हैं, कोई सात्विक होते हैं कोई बहुत तामसी होते हैं। तो विक्रमादित्य का भी ताला पड़ गया किसी से, वो कोई सात्विक ही होगा, पढ़ाई पढ़ाने वाला। और बाबा मुझे नंबर 5-9 62 में मिला गया है कि अभी तुम बच्चे भी बरोबर जगदम्बा की गोद लेते हो है? तुम बच्चे अभी बरोबर जगदम्बा की गोद लेते हो। 5-9 62 के मुझे बोला गया है अभी तुम बरोबर जगदम्बा की गोद लेते हो, इन पर तुमको बलि चढ़ना है, तुम्हारा हमको शिव बाबा पर बलि चढ़ना है या जगदम्बा पर बलि चढ़ना है? माया पहले सरेंडर होती है या बच्चे पहले सरेंडर होते हैं? तो और बच्चों के मुकाबले बाप का जो बड़ा बच्चा है उसको छोड़ दो, बाकी और बच्चों के मुकाबले माया का बड़ा पद है या नहीं है? क्योंकि पहले सरेंडर होती है, और बच्चे पूरे सरेंडर नहीं हो पाते, निश्चय अनिश्चय के चक्र में चलते ही रहते हैं। लेकिन बाबा ने मुरली में बोल दिया, अव्यक्तवाणी में बोल दिया कि माया अब थक चुकी है। लेकिन कोई बच्चे ऐसे हैं जो अभी थके नहीं हैं, माया हिम्मत हार चुकी है। जिन दिनों ये बात बोली गई उन्हीं दिनों कुमारिका दादी ने शरीर छोड़ दिया। बाद में क्या बोला? माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया, है तो बहुत पावरफुल लेकिन थक गई बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चों में ज्ञान है बाप का और माया में पूरा ज्ञान नहीं है, रावण से प्रभावित है। तो माया थक गई, जब कोई थक जाता है हिम्मत हार जाता है तो शरीर छूट जाता है। शरीर छूटने के बाद प्रकृति से हाथ मिला लिया, प्रकृति कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा से जब हाथ मिला लिया तो ताकत बढ़ गई या कम हो गई?
बढ़ गई। माया की जब ताकत बढ़ जाती है तो फाइनल पेपर लेगी या नहीं लेगी? फाइनल पेपर लेती है। उस फाइनल पेपर में कितने पास होते हैं? 8 पास होते हैं और बाकी सब नंबर बार फेल हो जाते हैं। 8 में भी 7 जो हैं वो अंतिम जन्म में नीचे गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? वो भी नीचे गिरते हैं। फिर कोई बचेगा? जब 7 ही नीचे गिर गए अष्टमूर्तियों में से तो कोई नहीं बचता, तो किसकी गोद में जाते हैं? नहीं, बाप से तो टूट गए ना, माया जगदम्बा की गोद में दे देती है। हाँ, मैंने तो बाबा हमको शिव बाबा में बलि करना है, इसलिए मुरली में बोला है कि बाप आते हैं तो बाप से प्रजापिता को वर्षा मिलता है और प्रजापिता से जगदम्बा को वर्षा मिलता है, फिर जगदम्बा से सब बच्चों को वर्षा मिलता है। फिर मुरली में एक ही बोलते हैं कि मैं बाप, मैं तुमको डायरेक्ट वर्षा देता हूँ। बाप आते हैं तो एक को राजाई का पूरा वर्षा देंगे 100% या सबको देंगे? तो एक को ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो ही प्रकृति जीत बनता है पूरा, बाकी माया प्रकृति से नंबरवार फेल हो जाते हैं। और अभी किसके अंडर में है? अभी उसका कान किसने पकड़ा हुआ है? अरे ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने पकड़ा हुआ है, या एडवांस वालों को कान पकड़ा दिया? अरे ब्रह्मा कुमारियों ने पकड़ा हुआ है, वो नहीं बताने दो ना। अभी उसका कान किसने पकड़ा हुआ है ज्ञान सुनाने के लिए, बोलो? अरे नहीं पता है? क्यों? एडवांस ज्ञान किसी से सुनती है क्या? नहीं, तो फिर किसने पकड़ा हुआ है? किसके अंदर भी कंट्रोल है? शास्त्रों में तो दिखाते हैं, मैं ना, पार्वती की अम्मा का नाम क्या दिया है? पालना करने वाली का नाम क्या दिया है? मैं ना करूंगी, ना फरमान है, अवज्ञाकारी है। जैसे बाप चलाना चाहते हैं वैसे नहीं चलती है। कौन है? माया। माया एक ही बात को पक्का पकड़ती है। कौन सी बात? जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको तुम खूब भटकाओ, इसके अलावा और बातों को नहीं मानती, क्योंकि विधर्मी है या स्वधर्मी है? माया क्या है? विधर्मी है। जो दूसरे धर्म के होते हैं वो सारी बातों को श्रीमत को नहीं उठाते, एक बात को मानेंगे तो दूसरी बात नहीं मानेंगे। तो बी के यज्ञ में कुमारका दादी के शरीर छोड़ने से पहले सारे बी के किसके अंदर भी कंट्रोल चलते थे? ओ तो बोलने दो, बोलो है, बोलो। अरे किसी के अंडर भी कंट्रोल चलते थे या स्वच्छंद थे सब है? किसके अंडर में थे? अरे भक्ति मार्ग में एक गुरु मर जाता है तो क्या करते हैं?
दूसरा गुरु कर लेते हैं। तो जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो यज्ञ में सरपरस्त कौन बन गया, किसके हाथ में सत्ता आ गई है? दादी के हाथ में सत्ता आ गई। तो जो वैष्णो देवी का पार्ट बजाने वाली है वो भी किसके अंडर थी, कंट्रोल चली है, स्वच्छंद चली या अंडर दी कंट्रोल चली है? अरे बोलो तो कुछ, एकदम मसट साध गए। तो कंट्रोल में जब चलती है गुरुओं के, माताएं तो यज्ञ में बड़ी से बड़ी दो ही हैं असल असलियत में, जो यज्ञ के आदि में माताएं थी वो ही माताएं फिर गुरुओं का सहारा लेकर बैठती हैं या नहीं बैठती हैं? बैठती हैं। तो गुरुओं ने उनका कान पकड़ लिया। जो गुरु कान पकड़ लेते हैं वो फिर एडवांस वालों की बातें नहीं सुनने देते। तो बकरी का पार्ट हुआ या नहीं हुआ? बकरी का हो गया। बाबा वो बाबा ने मुरली में बोला है जिस आत्मा का पार्ट जितना पहले प्रत्यक्ष हो गया है ना, है जिस आत्मा का पार्ट जितना पहले प्रत्यक्ष हो गया है ना, उस आत्मा बाकी नजरों में उतना ही श्रेष्ठ है। हाँ। तो अष्ट देव से पहले तो और लोगों का पार्ट प्रत्यक्ष हो जाता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? और लोगों का पार्ट प्रत्यक्ष हो जाता है। हमारा जो तीन विदेशी विधर्मी है ना, बीच इनका भी तो पार्ट। तीन विदेशी विधर्मी? हाँ जी। कौन विदेशी विधर्मी? महाराज तीन धर्म के जो विदेशी विधर्मी है ना उनका। कौन विदेशी विधर्मी है, नाम तो बताओ। है जो सीढ़ी के चित्र में दिखा रहा है कि राम वाली आत्मा को भीख दे रहे हैं। हाँ भीख दे रहे हैं, तो वो विदेशी है। जो विदेशी भीख दे रहे हैं वो ऊंच पार्ट है या नीच पार्ट है? नीच पार्ट है। लेकिन अष्टदेव से पहले तो प्रत्यक्ष हो गए नाम का राक्षस पहले प्रत्यक्ष होते हैं या देवताएं पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं? तो वो राक्षस संप्रदाय है। लेकिन ये बोलने का मतलब क्या है कि जो जितना जिस आत्मा का जितना पहले पार्ट प्रत्यक्ष हो गए ना उसी अनुसार वो आत्मा बाकी नजर वो तो असुर हो गई। देवताएं तो बाद में प्रत्यक्ष होंगे। बाबा उन सत्तर से पहले बीके लोग निराकार को याद करते थे या साकार में निराकार को याद करते? अपनी अपनी धारणा अलग अलग है। कोई निराकार को याद करते थे, कोई ब्रह्मा बाबा में शिव को याद करते थे। बाबा ने बता दिया कि चित्र में चरित्र को याद करेंगे तो चरित्रवान बनेंगे, विचित्र को याद करेंगे तो उतने चरित्रवान नहीं बनेंगे। इसलिए जितने भी विधर्मी आत्माएं हैं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि वो चित्र में विचित्र को याद करती हैं या सिर्फ विचित्र को याद करती हैं? विचित्र माने बिंदु, किसको याद करती है? विचित्र को याद करती है तो वो चरित्रवान बनती है, देवता बनती है या राक्षस बनती है? है? राक्षस बनती है। ऐसे ही बीके में भी है, ऐसे ही एडवांस में भी है। बाबा ने बोला कि हर धर्म में कुछ न कुछ स्वतः प्रधानता होती है, तो इस्लाम धर्म में क्या स्वतः प्रधानता होती है? इस्लाम धर्म की जो पूर्वज आत्मा है वो सात्विक नहीं होगी। तो फिर इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा होगी वो ज्ञान के सूक्ष्म रूप को पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी?
पकड़ेगी। वो बड़ा ड्रामा के अनुसार कैसे होता है सतो भगवान, क्योंकि वो पहले आती हैं। जब ब्राड ड्रामा शुरू होता है तो वो ही आत्माएं पहले निमित्त बनती हैं। और भक्ति मार्ग में यदि बोलने की मतलब जो रेखा खींची गई है वो लक्ष्मण की रेखा गाय में ना पिता के लिए लक्ष्मण ने रेखा, लेकिन वास्तव में अभी शूटिंग पीरियड में तो राम बाप के द्वारा ये खींची जा रही है, लेकिन वहाँ पे क्यों दिखाया कि लक्ष्मण का नाम? लक्ष्मण रेखा का मतलब क्या है? है श्रीमत की रेखा। जो श्रीमत की रेखा है वो राम वाली आत्मा कहां से उठाती है? कहीं से उठाती है या नहीं उठाती है? श्रीमत कहां से है? ब्रह्मा के मुख से जो मुरलियां बोली गई है वो ही श्रीमत है। तो ब्रह्मा वाली आत्मा राम का छोटा भाई है या नहीं है? बलराम का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? लक्ष्मण का पार्ट बजाने वाली आत्मा ही बलराम है। इसलिए लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। जो बाबा की मुरलियां हैं ब्रह्मा मुख से बोले हुए वेद वाक्य हैं, वास्तव में तो वो ही श्रीमत हैं, परंतु उनके ऊपर मनन चिंतन मंथन कोई ने नहीं किया, उनके ऊपर गहराई से मनन चिंतन मंथन करने वाली जो आत्मा पहले निकलती है वो है राम वाली आत्मा। तो वास्तव में लक्ष्मण रेखा किसने खींची, किसके कौन निमित्त बना? ब्रह्मा वाली आत्मा निमित्त, वो ही ब्रह्मा वाली आत्मा लक्ष्मण है। और ये कभी कभी बाबा लक्ष्मण ब्रह्मा वाला को बोलते हैं और कभी कभी जो चार धर्म के बीच है उस अनुसार बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ेंगे तो कोई तो निमित्त बनेगा, तो शरीर छोड़ने के बाद जब षष्ठी रची जाती है संकल्पों से, तो ब्रह्मा से किनकी पैदाइश पहले होती है? नहीं, चार सनत कुमार हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, उनकी पैदाइश होती है। उनमें बड़ा है इस्लामी, उससे छोटा है बौद्ध ही, उससे छोटा है क्रिश्चियन का बीज, और सबसे छोटा है सनातन धर्म का बीज। वो सनातन धर्म का बीज ज्ञान में बड़ा होता है, याद में बड़ा होता है, इसलिए उसको योगीश्वर कहा जाता है। सनत और सनत कुमार को एक ही मानते हैं ना? नहीं, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार अलग अलग नाम हैं। जो ज्यादा ज्ञानी है वो बड़ा ठहरा, जो बड़ा है उसी के आधार पर बड़े से बड़े धर्म की स्थापना होती है, उसको कहा जाता है सनातन धर्म। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध से बौद्ध धर्म, ऐसे ही सनत कुमार से सनातन धर्म, बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है फॉलोअर्स के अर्थ में। जैसे ब्रह्मा एक मात्रा बढ़ा दो ब्राह्मण,
परम धाम में ब्रह्मा परम ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म ये तीन गुस्सा गाय है। यहाँ जानना तो नहीं है तीन गुस्सा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। साक्षात का मतलब क्या है? जो सामने खड़ा हो वो साक्षात। कौन सा ब्रह्मा साक्षात है और कौन सा सूक्ष्म वतनवासी बन जाता है? दादा लेखराज ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी बन गए और प्रजापिता ब्रह्मा साक्षात है, इसलिए उसी के द्वारा परम ब्रह्म कहा जाता है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै उसके लिए नमन किया जाता है। बड़े से बड़े के प्रति नमन करना है, झुकना है, यह नंबर वार जो छोटे हैं उनके प्रति झुकना है, बड़े से बड़ा जो है उसके प्रति झुकना है। और भक्ति मार्ग जो करते हैं पंडित लोग, तीन वर्ष पर मलेमास पड़ता है, उसका महत्व क्या है? तीन वर्ष पर मलेमास पड़ता है। हाँ, हर चौथी वर्ष वो वर्ष मनाया जाता है, उसकी यादगार में संगम युग में जरूर शूटिंग होती है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, जब पुरुषोत्तम मास मनाते हैं तो एक मास अधिक हो जाता है, 12 महीने की जगह 13 महीने का वर्ष हो जाता है। तो ये संगम युग की यादगार है। संगम युग में हर चौथी वर्ष कुछ नया होना शुरू हो जाता है। तो 5 वर्ष का 5-year प्लान बनाया गया, 82 पूरा होते ही 5-year पूरा होता है या नहीं होता है? हो जाता है, तो नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हर चौथी वर्ष परिवर्तन होता है, इसकी यादगार में भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है। 4 युगों की शूटिंग पूरी होती है और 1 कल्प की शुरुआत हो जाती है। भारतीय गुलाब और विदेशी गुलाब कौन लोग? भारतीय गुलाब और विदेशी गुलाब क्या मुझे भी आएगा? भारतीय गुलाब और विदेशी गुलाब गुलाब और विदेशी ये फूल किसको कहा जाता है? फूलों का पार्ट कौन सा है और फल किसको कहा जाता है? फूल का गुण क्या है? है क्या दुर्गंध नहीं देते हैं फूल? फूल होता है हल्का और फल होता है भारी। तो रुद्रमाला के जो मणके हैं वो क्या हैं? फल हैं। और विजयमाला के मणके फूल हैं। वो अपन को हल्का फुल्का क्यों समझते हैं या हल्के फुल्के होकर क्यों रहते हैं? कारण क्या है?
प्योरिटी के कारण। इम्प्योरिटी आने से भारीपन आता है। तो दो प्रकार के फूल हैं, एक विदेशी फूल होते हैं गुलाब में, और एक भारतीय फूल होता है रूहे गुलाब। रूहे गुलाब लक्ष्मी जैसी आत्माओं का पार्ट है, भारत माता का पार्ट है, और विदेशी गुलाब भारत माता के मुकाबले कौन सी माता खड़ी की जाती है? जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा। विदेशियों की भी अम्बा है या नहीं है? विदेशियों के भी स्वभाव संस्कार उसमें भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए हैं? भरे हुए हैं। तो वो कैसा फूल हो गया? है विदेशी फूल हो गया। बाबा पत्रकार लोग 18 से पहले सेवा के नहीं है या 18 के बाद सेवा में? बाप की प्रत्यक्षता होगी तो सेवा करेंगे, या प्रत्यक्षता नहीं होगी तो सेवा करेंगे? प्रत्यक्षता होगी तो सेवा करेंगे। तो फिर बाबा मुरली में बोला गया कि नंबर वन बच्चा के सामने बाप प्रत्यक्ष होंगे। ठीक है, आठ पहले पहचानेंगे कि दुनिया वाले पहले पहचानेंगे? वो वार्तालाप में बोला है जिनका शरीर बहुत लंबा चौड़ा होता है वो देवभानी होते हैं, और अभी के मुरली में बोला है कि जैसा आत्मा होता है वैसा जीव भी होता है। अच्छा, माने छोटी आत्मा होती है तो छोटा शरीर होता है, बड़ी आत्मा होती है तो बड़ा शरीर होता है। अभी के मुरली में बोला गया है जैसा आत्मा होता है उसी अनुसार वो जीव भी होता है। वो पवित्र अपवित्र की बात है। हाँ, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा पवित्र और आत्मा अपवित्र होती है। वो देह अभिमानी है, आत्मा अभिमानी है। हाँ, पांडवों का शरीर लंबा चौड़ा दिखाया है, महात्मा बुद्ध का शरीर लंबा चौड़ा दिखाया है, दक्षिण भारत में बाहुबली का शरीर लंबा चौड़ा दिखाया है। तो वो लंबा चौड़ा दिखाने का मतलब है उनकी बुद्धि विशाल है। ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा कोई बड़ी है, आत्मा में जो बुद्धि है। मना बाबा, आत्मा में जितना पावर होता है उसी अनुसार शरीर भी तो होता है ना? आत्मा में देहभान ज्यादा होगा तो शरीर लंबे चौड़े होंगे। इस्लामियों के शरीर अरबियंस के, क्रिश्चियंस के शरीर, रशियंस के शरीर लंबे चौड़े हैं या छोटे हैं? क्योंकि देहभान ज्यादा है इसलिए शरीर लंबे चौड़े हैं। ये इस दुनिया की बात हुई। शास्त्रों को जब क्लैरिफिकेशन देते हैं बाबा, तो बताया कि शास्त्रों में बुद्धि को विशाल दिखाने के लिए पांडवों के शरीर बड़े बड़े दिखाई दिए, नहीं तो कैसे दिखाएं? और बाबा महाभारत में दिखाया है कि बाबा ने मुरली में बोला है कि देवता देने वाला होते हैं, तो महाभारत में बोला दिखाया है कि सूर्य ने जो कर्ण को सूर्य पुत्र कर्ण को कुंडल और कवच दिए दिए था ना, तो वो फिर वो इंद्र, फिर इंद्र देवता ने वो दिया था, फिर जाकर के इंद्र देवता ही जाकर के फिर मापते। अरे एक बात उठाओ ना, या तो सूर्य को उठाओ, सूर्य है ज्ञान सूर्य शिव, ज्ञान सूर्य शिव ने कर्ण को कुंडल दिए। कर्ण का अर्थ क्या होता है? कान। कान से सबसे पहले कौन सुनता है और सबसे पहले सुनकर के सबसे जास्ती धारण कौन करता है? तो वो हो गया कर्ण।
और उनको कवच भी मिला। कवच कौन सा है? याद का कवच है, सुरक्षा कवच। तो जरूर वो आत्मा याद करके ज्यादा पावरफुल बनेगी या कम पावरफुल बनेगी? ज्यादा पावरफुल बनती है। उनका कहने मतलब ये हुआ कि कर्ण को जो कवच कुंडल दिया था, जो देवता छल करके मांग लिए, तो मारे गए। हाँ जी, यही बात थी। हाँ, तो यही पूरा प्रश्न यही था। हाँ, कर्ण का जो कुंडल मांग करके ले गए, दानवीर कर्ण दानी थे, तो कर्ण पहले मारा गया ना जी, तो फायदे में रहा घाटे में रहा? और बाबा, और मुरली में बोला गया है ज्ञान सागर में इतना ज्ञान है ना कि दुनिया में जितना पेड़ है उसको कलम बना दो, और दुनिया में जितना पानी है उसको मसी बना दो, और दुनिया में जितना जमीन है उसको कागज बना दो, लकड़ी को कागज बना दो, हो गया। हाँ, माना तो अंत में जब सब लोग संपूर्ण बनेंगे तो उसका ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल, हर आत्मा में कितने कितने जन्मों का कितना पार्ट भरा हुआ है, कितनी कितनी आत्माओं से 84 जन्मों में संसर्ग संपर्क होना है, वो सागर के समान विशाल ज्ञान हुआ ना। मनुष्य आत्मा तो 500-700 करोड़ है, एक एक की अनेक जन्मों की कहानी लिखी जाए तो सागर भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा। और अंगद जैसा तुम बच्चों को माँ भी बनना है, जब अंग अंग देंगे ईश्वरीय सेवा में, जितने भी अंग हैं, 10 इंद्रियां हैं, तो 10 इंद्रियां ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे तो अंगद समान पावरफुल नहीं बनेंगे? बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। बाबा, बगीसर की पूजा क्यों नहीं होती है? बगीसर की पूजा क्यों नहीं होती? बगीसर क्या है? बगीसर, वो तो राक्षस कुल का था। अपने कुल की कहानी छोड़नी चाहिए कि अपने कुल की कहानी निभानी चाहिए? है, निभानी चाहिए। तो ज्यादा विद्वान धर्म को फॉलो करने वाला कुंभकर्ण हुआ या विभीषण हुआ, कुंभकर्ण ज्यादा धर्म का निभाने वाला हो गया। आत्मा के साथ शरीर भी है, शरीर साधन है धर्म पालन करने का। शरीर ही नहीं होगा तो धर्म की पालना क्या करेगा? मनाओ रामक को धोखा दे दिया इसलिए उसकी पूजा नहीं हो रही है। अपने कुल को धोखा देना चाहिए क्या? उसने तो जाना ना कि ये तो जो हमारा कुल है ये खराब कुल है ना, और ये तो अच्छा कुल इसलिए हो गया है। जिस आत्मा ने जिस कुल में जन्म लिया, जिस देश में जन्म लिया, उसी में रहना चाहिए या कन्वर्ट होना चाहिए? है, उसी में रहना चाहिए। तो बाबा, विभीषण तो राम का सहयोगी बना ना? राम का सहयोगी तो बना, लेकिन अपने बाप का सहयोगी बना, अपने बाप की कुल को कान रखी या नहीं रखी? नहीं रखी, नहीं रखी। इसलिए तो बाबा कुल, इसलिए उसको जो राज्य मिला वो राज्य रावण का राज्य मिला या राम राज्य मिला? रावण का राज्य मिला। बाबा, पास्ट लाइफ को ऐसा कॉट किया, ये एक ही बात है या अलग अलग बात है?
बादशाही वर्षा। बाप का वर्षा तो है ही बादशाही। बाप आकर के गधाई नहीं देते हैं, गधा नहीं बनाते हैं कि जिंदगी भर बदन ढोते रहो। और जितने धर्म पिताएं आए उन्होंने मनुष्य मात्र को गधाई दी है, अपने अधीन बनाया है। और शिव बाबा ने अधीन नहीं बनाया है, शिव बाबा ने जन्म जन्मांतर के लिए हमारे अंदर स्वभाव संस्कार भर दिया, स्वाधीन रहो, पराधीन होकर के न चलो। चाहे कलयुग के अंदर शिवाजी के रूप में जन्म क्यों न लिया जाए, तो भी स्वाधीन होकर के रहे। या औरंगजेब के पराधीन हो गए, स्वाधीन होकर रहे। ये स्वाधीनता शिवाजी ने कहां से सीखी है, किसने सिखाई, कब सिखाई? संगम पर सिखाई। किसने सिखाई? शिव बाबा ने सिखाई। और सब अधीन बनाते हैं, मनुष्य मात्र अधीन बनाता है और शिव बाबा स्वाधीन बनाते हैं। और सब दास दासी बनना सिखाते हैं। अंग्रेज क्या सिखा के गए? नौकर बन जाओ। आज जो पढ़ाई चल रही है, हमारी गवर्नमेंट जो पढ़ाई पढ़ाई रही है, उस गवर्नमेंट में पढ़ाई पढ़ने वाले क्या लक्ष्य लेके जाते हैं? हा? हम बड़े नौकर बन जाएं, माने बड़े दास दासी बन जाएं। तो विदेशी पढ़ाई ने, विधर्मियों की पढ़ाई ने हमको दास दासी बनना सिखाया, और शिव बाबा हमको स्वाधीन बनना सिखाते हैं। ये दास दासी पने के संस्कार हम छोड़ दें, स्वाधीन बने, कोई भी देहधारी के अंडर में नहीं रहना है। क्यों क्यों नहीं रहना है? क्योंकि अब शिव बाबा आया हुआ है, वो देहधारी नहीं है, उसकी बुद्धि देह में धरी हुई नहीं है। जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई नहीं है वो ही हमको राजाई देता है। जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है वो हमको राजा नहीं बना सकते, स्वार्थी होते हैं। क्या करेंगे? अपने रथ का दास दासी बना के रखेंगे। बाबा अचितम माने क्या होता है? आ माने नहीं, च्युत माने ऊपर से नीचे गिर गया, माने च्युत हो गया, उसको कहते अच्युतम। जो ऊंची स्टेज से कभी नीचे नहीं गिरता, अर्थात जिसका वीर कभी क्षीण नहीं होता, शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, रहता है घर गृहस्थ में कौन? शिव बाबा। घर गृहस्थ में रहता है, बड़े से बड़ा गृहस्थी है या छोटा मोटा गृहस्थी है, बड़े से बड़ा गृहस्थी है, फिर भी इतनों के संसर्ग संपर्क में आते हुए भी शक्ति क्षीण नहीं होती, मनसा भी क्षीण नहीं होती। ऐसे नहीं अनेक देहधारियों के संग रहता है तो मनसा उनमें रमी रहे, उनकी याद आती रहे,
ये बात शिव बाबा के लिए लागू होती है क्या? है नहीं लागू हो सकती। मनसा से भी क्षीण नहीं होता, वाचा भी किसी देहधारी की प्रशस्ति में नहीं लगाएगा। किसकी प्रशस्ति करेगा, किसकी महिमा करेगा? एक शिव बाबा की महिमा में वाचा लगेगी। और कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियों से जो कर्म भी करेगा वो कर्म शिव बाबा के लिए अर्पित होंगे या देहधारी के लिए अर्पित होंगे? शिव बाबा के लिए अर्पित होंगे। और लेट हो रहे, बंद करो रण का बाजा।